मित्रों, अगर राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मणी भी है। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में ये विचार तो आता ही है कि जब भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे और माता रुक्मणी देवी लक्ष्मी की, तो फिर राधा कौन है और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मणी और राधा में क्या अंतर है और दोनों से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं? जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस प्रस्तुति में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं माता रुक्मणी के बारे में। भागवत पुराण, महाभारत और दूसरे सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माता रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार ही बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। लेकिन रुक्मणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था, और इसीलिए वो इस विवाह के खिलाफ था। वो चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण करके देवी रुक्मणी से विवाह कर लिया। मित्रों, अब बात करते हैं राधा की, जिनके बारे में जानने के लिए आपको उनके पिछले जन्म अर्थात त्रेता युग में जाना पड़ेगा। ये तो मित्रों आप भी जानते ही होंगे कि अयोध्या वापिस लौटने के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता को कई सालों तक जंगल में आश्रम में रहना पड़ा। इस दौरान एक बार श्री राम ने राजसूय यज्ञ करवाया। अब परेशानी ये थी कि विवाहित तो होने के कारण श्री राम इस यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन माता सीता का तो वो पहले ही त्याग कर चुके थे और इस कारण इस यज्ञ का पूरा होना असंभव लग रहा था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ जो ये यज्ञ कर रहे थे, उनके कहने पर सोने की माता सीता बनवाई गई और फिर इस तरह इस यज्ञ को पूरा किया गया। अब मित्रों, ये यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन वो सोने की सीता श्री राम को माता सीता की याद दिलाने लगी। ऐसे में श्री राम ने सोचा कि क्यों ना इस सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। अब सोने की सीता को जब सरयू नदी में ले जाया जा रहा था, तब वो श्री राम से बोल पड़ी, महाराज, आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम इस सोने की मूरत के रूप में ही मुझे अपने पास रख ले। ये सुने श्री राम ने कहा, हे सीते, जितने साल का वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और मित्रों, कहा जाता है कि राधा यही सोने की सीता थी, अर्थात एक तरह से देवी सीता का ही अंश, जिनके साथ भगवान कृष्ण उनके प्रेमी के रूप में 11.5 साल तक रहे थे। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का ही अंशावतार थी। अंतर बस इतना है कि माँ रुक्मणी को हम दैहिक लक्ष्मी और वहीं राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। किससे हुआ श्री कृष्ण का विवाह? मित्रों, हर कोई रुक्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा रानी को श्री कृष्ण की सखा के रूप में जानता है, जिनसे भगवान कृष्ण ने विवाह नहीं किया। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और भगवान कृष्ण का विवाह अनादि समय से हो चुका है। रही द्वापर युग की बात, तो इस युग में भी दोनों ने विवाह किया था। ब्रज 84 कोस में आज भी वो बांडीर वट मौजूद है, जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह रचाया था। दोनों के विवाह का उल्लेख हमें श्री गर्ग संहिता में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इसी बांडीर वट में ब्रह्मा जी ने राधे श्याम का विवाह करवाया था। हालांकि आज भी रुक्मणी जी को ही भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मणी का जन्म? मित्रों, एक रहस्य राधा रानी के जन्म से भी जुड़ा है। हर कोई ये तो जानता है कि रुक्मणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की ही तरह अपनी माता की कोख से जन्म लिया था। लेकिन मित्रों, राधा रानी भगवान कृष्ण की ही तरह अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उसने भगवान कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किए और फिर श्री कृष्ण से बातें करती करती वो बालिका उनके साथ सिंहासन पर बैठ गई। मित्रों, ये सुंदर कन्या ही राधा थी, जिन्हें आगे चलकर भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना गया।
श्री कृष्ण से विरह। मित्रों, हर कोई ये तो जानता है कि राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था, लेकिन रुक्मणी के वियोग के बारे में आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया, जिस कारण वो लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी ही रह गई थी। ऐसे में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना होगा। और मित्रों, यही वो श्राप था जिसके कारण रामावतार में भगवान राम को माता सीता का वियोग और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण को देवी राधा का वियोग सहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने कहा कि वो तभी उनके साथ चलेंगे जब उनके लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और रुक्मणी के साथ मिलकर खुद रथ को खींचने लगे। रास्ते में जब रुक्मणी को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण ने धरती से पानी निकाल दिया, जिसे पीकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को जल नहीं पूछा। कृष्ण और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को 12 सालों तक अलग रहने का श्राप दे दिया। तो मित्रों, ये थे रुक्मणी और राधा से जुड़े वो रहस्य जिनसे आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। इनमें से किस रहस्य के बारे में आप पहले से जानते थे और किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें, और ऐसी सभी धार्मिक आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।